हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनाक्षी है। मैं सोना राजपूत के नाम से मेरी आईडी है यूट्यूब पे। तो कल 12 फरवरी थी और कल बीपीएससी की एग्ज़ाम थी, तो कल मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए आज वीडियो बना रही हूँ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, और इसमें जो क्वेश्चन थे, क्या क्या सही है क्या गलत है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं, मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी ठीक थी, एवरेज अच्छी थी। तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए थे, लेकिन एज़ यू ऑल नो कि हमारे पास इस बार 5 ऑप्शन है। पहले 4 ऑप्शन हुआ करती थी, इस बार 5 ऑप्शन है, और नेगेटिव मार्किंग तो है ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद। तो आंसर इज अल हिलाल, ये राइट आंसर है, और मैंने भी यही टिक लगाया। फिर सेकंड है, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। मैंने ये लगाया है एक आंसर इसमें। फिर थर्ड, ना मैंने बनाया ना मुझे पता है ये, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें इसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द टाउन। तो इसमें क्या करेक्ट नहीं है, तो इसमें पहला लिख रहा है क्या, ओनली द अपर कास्ट एंड रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट। तो इसमें सिर्फ अपर क्लास और रिच पार्ट लिया था, लेकिन ये गलत है, नॉट करेक्ट बोल रहा, तो ये नॉट करेक्ट है इसके हिसाब से क्या आंसर। फिर क्या कह रहे हैं, द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। मद्रास के जस्टिस पार्टी भी इस काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट कर रहे थे। तो ये वाला में मुझे कन्फ्यूज़न था, बट ये तो पक्का है कि नहीं है। फिर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल, हेड मास्टर्स एंड टीचर रिजाइन एंड लॉयर गिव अप देयर प्रैक्टिस। ये सही है, ये गलत है, ये मुझे नहीं पता। तो अब मैं ऐसा नहीं लिख सकती ना कि वन के साथ का वन एंड टू मुझे मेरे हिसाब से लग, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती इसमें से क्या होगा। ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाले, तो बाकी जो भी हो तो ठीक, कि मुझे पता नहीं। फिर ये क्या है, अ सन्यासी हु केम टू दैट डिस्ट्रिक्ट आफ्टर स्पेल एज एन इंडेंचर्ड लेबरर इन फिजी कैरिंग अ कॉपी ऑफ तुलसीदास रामायण ऑन हिज बैक फ्रॉम विच ही वुड रिसाइट वर्सेस टू रूरल ऑडियंस द पीजेंट लीडर रेफर्ड टू हियर इज। तो आंसर होगा राम, बाबा रामचंद्र, ये मुझे पता था। फिर फाउंडर ऑफ ऑल हरिजन संघ महात्मा गांधी, उन्होंने ही हरिजन के लिए, मतलब उन लोगों, उनका दो फील्ड था ना, दो फ्रंट पर वो काम कर रहे थे। तो पहला हो गया गरीबों की जो बुरी स्थिति थी और अनटचेबिलिटी थी, तो वो सब पे तो महात्मा गांधी ने ये बनाया था। और क्या है, 20th फरवरी 1947, इसका तो वही है, जून 1948। सेवेंथ के आंसर ए, स्वराज दल कृष्णा सिंह ने बनाया था, इधर रहा हिंदी में। फिर ये इंग्लिश इस तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ये दोनों साथ में, मतलब मैं देख के बोली कह रही, ये तो छपा हुआ क्वेश्चन है और छपा हुआ ऑप्शन भी। तो ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। कौन सा टैक्स था जिसको ये कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, तो इसमें वो दिया हुआ ही नहीं है, एकदम सेम यही क्वेश्चन था। मतलब मैं देख के मतलब खुश हो गई कि अरे चलो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, एक के बाद एक लगातार यही था। तो इसमें चौकीदारी टैक्स था, उसको लोग ये कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, जो कि इसमें नहीं दिया है। फिर ये क्या था, इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह ने रिज़ाइन दे दी थी 1938 में, क्यों रिज़ाइन दी थी, क्यों, फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स लोग। उसके बाद हु सेव गांधी जी लाइफ, चंपारण सत्याग्रह में बतख मियाँ ने सेव किया था गांधी जी की लाइफ को। फिर हु लेड कल्टीवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो पता ही आप लोगों को, स्वामी विद्यानंद। इजी क्वेश्चन थी काफ़ी ज़्यादा। फिर स्वदेशी मूवमेंट बॉयकॉट, ये सब जो अडॉप्ट किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए स्वदेशी मूवमेंट करवाई गई थी। फिर क्या है, एट द कलकत्ता सेशन ऑफ INC हेल्ड इन 1906 द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वॉज अनफर्ल्ड बाय। हाँ, ये तो दादा भाई नारोजी ने की थी, 1906 में झंडा लहराया था। फिर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रक्चर अ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च इन द इंडियन स्टेट, इन द स्टेट रूल्ड बाय द इंडियन रूलर सच एज
कश्मीर निज़ाम्स हैदराबाद त्रवण कोर वॉज प्रजा मंडल मूवमेंट, यही मूवमेंट थी, यही मूवमेंट लॉन्च की गई थी इंडियन स्टेट में। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रक्चर स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? तो फर्स्ट वाला सही है कि वो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी विड्रॉ कर लिए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। फिर गांधी जी ने अपना BHU में सबसे मेजर पब्लिक स्पीच दिया था, ये भी सही है। ये सी, महात्मा गांधी अरेस्ट 1921 में नहीं हुए थे, वो अरेस्ट 1922 में हुए थे 6 साल के लिए, क्योंकि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पीछे हट गए थे चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था उसके वजह से। तो अंग्रेजों को मौका मिल गया था और इन्हें 6 साल के लिए जेल में डाल दिए थे। तो ये गलत है, सी ये हो जाएगा इसका आंसर। 16, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर इब्राहिम लोधी के साथ हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये गलत दिया हुआ है, टीपू सुल्तान ऑफ मराठास दिया था, ये रॉन्ग हो जाएगी। फिर क्या है, ये मैंने बनाई। फिर क्या है, तबाकती एक अकबरी, ये इनको छोड़कर अबुल फजल के अकबर नामा से भी ये अच्छा था, तो ये किसने लिखा था, निज़ामुद्दीन अहमद ने, ये भी मुझे पता थी। फिर फिर नगालापुरम विजयनगर के पास में ये टाउन थी, तो ये कृष्णदेव राय ने अपने मम्मी के नाम पे बनाया था, ये मुझे नहीं पता था, ये मैं पढ़ के, मतलब मैं जस्ट 2 दिन पहले किसी बच्चे को पढ़ाई थी तो मुझे ये याद था, बुक में नहीं थी ये मेरी। फिर 1940 पटना वुमेन्स कॉलेज, हाँ सिस्टर ऑफ द पोलोस्टिक कार्मल इन्होंने फाउंड किया है। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द टू बाउंड्री कमीशन सेटअप टू डिलाइनेट द इंटरनेशनल फ्रंटियर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947, सीरियल रेडक्लिफ। फिर महलवाड़ी सिस्टम होल्ट मैगजीन ने इंट्रोड्यूस किया, और क्या है जल्दी जल्दी से बताती हूँ। 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह, कहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने, तो पावनगर महाराष्ट्र से। कांग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टैंड ओवर मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म इन 1980 में, इन्होंने कांग्रेस ने इनके ऊपर स्टैंड लिया था, विच लेड टू ब्रेकअप, जिसके कारण से ओल्ड मॉडरेट रेमिनेंट्स जिन्होंने फाउंड किया था नेशनल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसे ब्रेकअप कर रहे थे मॉन्ट रिफॉर्म ने। उसके बाद कैबिनेट मिशन जो है ये इंडिया क्यों भेजा गया था, तो टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, यही है बस। हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एनुअल ट्रिब्यूट, तो हुमायूं की लड़ाई जो है वो शेरशाह सूरी से हुई थी, तो ये शेरशाह हो जाएगा। फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश धर्मपाल ने की थी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार सर जेम्स डेविड सिफ्टोन, क्या है ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओल्डेस्ट चर्च पादरी की हवेली। उसके बाद द लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली भागलपुर के थे। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन फॉर, मगध के लिए जाना जाता था, इसमें नहीं दिया है तो ई ऑप्शन। फिर यूज ऑफ आयरन कब बिगिन हुई थी, अराउंड 30 ईयर्स अगो, तो यहाँ नहीं दी हुई है, फिर तो ई ऑप्शन इसके लिए भी हो जाएगी। उसके बाद रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत रुद्रमन होगा। उसके बाद देवघर में जो आर्ट वगैरह थी गढ़वा के पास, वो सब गुप्ता आर्ट के समय की थी। ये हो गई 35। आते हैं नंबर 36 पे, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च युवा 2.0 स्कीम इन 2022, ये मुझे सही से याद नहीं था कि होगा क्या, मतलब मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत इतनी थी कि हाँ कुछ एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, तो फिर मन में आया, फिर इसे टिक लगा के छोड़ आई, तो फिर घर आके चेक की तो ये सही था। फिर मदर टंग सर्वे में तो 576। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सबमिट अ रिपोर्ट ऑन गैस प्राइसिंग, तो वो किरीत पारिक कमेटी थी।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नॉट कंफर्ट विथ 5-star गार्बेज फ्री, इसमें से कोई भी नहीं है। मुझे पता था कि कोई नहीं है, कौन सा वो याद नहीं था, और सही में वो आया भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दोनियो पोलो एयरपोर्ट, यह कहाँ, ईटानगर में। पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ईटानगर में है। विच एनिमल हैज बीन अप्रूव्ड एज अ फूड एनिमल बाय द फूड सेफ्टी हिमालय इंडिया।